इस वक्त की बड़ी खबर, आज सपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। लगातार बैठकों का दौर जारी, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया और आज बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, उसके बाद अखिलेश यादव या पूरी समाजवादी पार्टी लगातार बैठकों का मंथन कर रही है। और उसमें जहां आज एक और बड़ी बैठक होनी है, संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है, कौन कौन नेता शामिल होंगे? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर बहुत बड़ा इतिहास रचा है। और आज तक समाजवादी पार्टी की बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव भी इतना बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे, जो कमाल अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। तो जाहिर सी बात है कि आज सारे नव निर्वाचित जो जितने भी सांसद हैं, अगर बात करें डिंपल यादव की, चाहे सांसद धर्मेंद्र यादव की, तो उनके जितने भी परिवार से लेकर जितने नव निर्वाचित सांसद हैं, आज सारे सांसदों को यहाँ उत्तर प्रदेश के आज सपा मुख्यालय में बुलाया गया है। और आज यहाँ पर संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक होगी। उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उनका क्या अगला फार्मूला उनका क्या है। तो सारी चीजों पर आज आज वहाँ पर मंथना होगी, इन्हीं पर सारी चीजों पर आज चर्चा होगी और आगे रणनीतियों को लेकर उनका आज विचार और मंथन आज किया जाएगा समाजवादी पार्टी का। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, यानी कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी लखनऊ में बैठक करने वाली, तो दूसरी ओर राहुल गांधी भी कई मुद्दों को लेकर बैठक करने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन होने वाला है। कांग्रेस के तमाम नेता, यानी कि दिग्गज नेता, इस बैठक में शामिल होंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यूपी में बेहतर प्रदर्शन किया है, दो लड़कों की जोड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया, और जिसके बाद आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव बैठक करेंगे, तो दूसरी ओर सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। इस बार इंडी गठबंधन ने बेहतर और शानदार प्रदर्शन किया और जिसके बाद मंथन का दौर जारी है। और आपको बता दें कि यानी कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इस खबर पर एक बार फिर से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ लखनऊ में अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए सीडब्ल्यूसी की बैठक की, तो बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कमाल किया इस बार, कहीं अगर देखा जाए तो खास करके यूपी में, तो जिसको लेकर आज कोर कमेटी की बैठक हो रही। कोर कमेटी बैठक का मतलब है कि आगे की रणनीतियों पर चर्चा, आगे की रणनीतियों में किस तरीके से उनको आगे, किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके की उनकी पहल आगे होने वाली है, चाहे चुनाव के लेकर, चाहे इस जो अभी उनकी चुनाव हुआ है, इसमें जो प्रदर्शन किया है सीडब्ल्यूसी ने, तो कहीं कहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज बैठक कर रहे हैं, तो कहीं कहीं उसको उसी तरीके से आज जी राजेश, कौन कौन से दिग्गज ऐसे नेता होंगे जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर बात करें सीडब्ल्यूसी की बैठक में नेताओं की मौजूदगी की, तो जाहिर सी बात है कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ साथ में जयराम रमेश के साथ में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे तमाम दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं, जो आला नेता हैं, आला पदाधिकारी हैं, सारे लोगों की आज उसमें मौजूदगी रहेगी बैठक पे। और आगे की रणनीतियों पर चर्चा, आगे पे किस तरह की रणनीतियां बनानी है, किस तरीके से काम करना है आगे जाकर जनता के बीच में, तो सारी चीजों पर आज मंथन होगा, सारी चीजों पर आज वहाँ पे मंत्रणा की जाएगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। यूपी के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन का दौर जारी है। सभी राजधानी लखनऊ में एक और बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक
रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां राजधानी लखनऊ में बड़ी बैठक हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिस प्रकार से हताशा मिली है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद लगातार हर एक मुद्दों पर चर्चा जारी है कि कहां चूक हुई है, उसको लेकर लगातार मंथन का दौर राजधानी लखनऊ में जारी रहेगा। जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बैठक करेंगे, जिसमें सभी मंचों को रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी के नतीजों को लेकर काफी हताशा देखने को मिली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कहां हुई है, और मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि हार की कारणों की समीक्षा करने के लिए बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मामूली कहा सुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। घटना में दोनों पक्षों से एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दो पक्षों में विवाद सामने आया, वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में 5 लोगों की हालत गंभीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी के लगाए गए स्टेटस पर अभद्र टिप्पणी को ये लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। मामली आपको बता दें कि दो पक्षों में विवाद हुआ, उस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुट चुका है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के छिड़वा भादी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रदीप, दो पक्षों में बड़ा विवाद हो गया है, उसकी क्या कुछ पूरी अपडेट है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जौनपुर जनपद के शाहगंज के छिड़वा भादी का मामला है, जहां पर सरकार बनाने को लेकर टिप्पणी जो है एक पक्ष द्वारा किया गया, जिसमें दूसरे पक्ष लोगों ने घर पर चढ़कर मारपीट की, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए और सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज भर्ती कराया गया और उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रिफर कर दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? पुलिस ने दोनों पक्षों में कुछ लोग फरार हैं, जिनको पुलिस अभी तलाश रही है जी। और जो लोग विवाद किए हैं उनके घर पर पुलिस मुस्तैद कर दी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। सेक्टर एच आशियाना में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। भारी संख्या में लोगों ने घर को घेरा, फोर्स मौजूद रही, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। प्राइम टीवी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। मालिक ने सीसीटीवी में देख कर दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंचे पुलिस कर रही है सर्च ऑपरेशन। सेक्टर एच आशियाना में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं प्राइम टीवी के माध्यम से आपको वो घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मालिक ने सीसीटीवी देखकर पुलिस को सूचना दी थी। लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर, पीआरवी 707 में लगी भीषण आग। चलती हुई पीआरवी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वहीं आग की लगने की सूचना शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है। पुलिसकर्मियों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। अकराबाद थाना क्षेत्र के जीटी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पीआरवी 707 में आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चलती हुई पीआरवी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।
शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव कंसल्टेंट फिजिशियन जिला चिकित्सालय के सामने रोशन कुटीर मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। बाबा साहेब शादी.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन।